जब पहली बार डार्विन ने कहा मनुष्य एक विकास है, पशु प्रजातियों से उत्पन्न हुआ है, तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, क्योंकि मनुष्य हमेशा से खुद को ईश्वर का वंशज मानता आया है, स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे, और बंदर को मनुष्य का पिता मानना बहुत कठिन था, किसी तरह से असंभव था। ईश्वर पिता थे और अचानक डार्विन ने इसे बदल दिया। ईश्वर सिंहासन से हट गए और बंदरों को सिंहासन मिल गया, बंदर पिता बन गया। ये विचार कि मानव विकासशील पशु से आया है और वह पशु जगत का हिस्सा है, ने मानव में मन में एक नया दर्शन पेश किया। आदम को शर्म आई। यह शर्म इसलिए आई क्योंकि वह अब खुद को तुलना पशुओं से कर सकता था। अब वह अलग था क्योंकि वह जागरूक था। मनुष्य ने खुद को पशुओं से अलग करने के लिए कपड़े पहनना शुरू किया, और फिर हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में शर्मिंदा होते हैं जो पशुवत लगती है, जैसे कि कोई हिंसा या क्रोध करता है, हम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जानवर हो। जागरूकता के साथ निंदा आई, पशु की निंदा, और इस निंदा ने पूरी दमन सप्रेशन की व्यवस्था को जन्म दिया, क्योंकि मनुष्य एक पशु है, वह इससे आगे जा सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन वह पशुओं से आया है, वह एक पशु है, पशु से ऊपर उठना उसकी संभावना है, वह आगे जा सकता है, लेकिन वह पशु विरासत को नकार नहीं सकता। और एक बार जब ये विचार मानव मन में आया कि हम पशुओं से अलग है, तब मनुष्य ने अपने अंदर की हर उस चीज़ को दबाना शुरू कर दिया जो पशु विरासत का हिस्सा थी। इस दमन ने एक द्वैत को जन्म दिया। इसलिए हर मनुष्य दो दोहरा है, वास्तविक मूलभूत पशु रहता है और बौद्धिक मस्तिष्क दिव्य के बारे में मिथ्या चीज़ों के संदर्भ में सोचता रहता है। इसलिए आपके मन का केवल एक हिस्सा आपके द्वारा स्वयं के रूप में पहचाना जाता है और संपूर्ण को नकार दिया जाता है। अपने पशु होने को स्वीकार करो। ये शरीर पशु है और इससे ऊपर उठा जा सकता है, बुद्ध हुआ जा सकता है, लेकिन इससे लड़कर नहीं, समझ और विवेक से। प्रणाम।